जिलाधिकारी बिजनौर रमाकांत पांडे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बिजनौर की सड़कों पर थे। कारण था सफाई अभियान। जिला अधिकारी के साथ शहर के सभी अधिकारी भी इस काम में लगे हुए थे। सर, आज एक अभियान चलाया जा रहा है, सुबह ही सुबह संडे का दिन है, जबकि ये किस चीज़ का अभियान है? विशेष रूप से तो सफाई की बात है, बारिश का मौसम है और सफाई की जरूरत है, और उसमें भी खास तौर से पॉलीथीन का जो पन्नी का प्रयोग हो रहा है उसके बारे में एक जागरूकता अभियान हम लोगों ने आज सुबह शुरू किया। हमारे जनपद के सारे वरिष्ठ अधिकारी और सारे सहयोगी इसमें आए हुए थे, और हम लोगों ने बाज़ार के अंदर, विशेष रूप से मंडी के अंदर जाकर के सभी को इस बात के लिए जागरूक भी किया कि पॉलीथीन का प्रयोग न करें, और हमारे अधिकारियों ने पूरे गलियों में, सड़कों पर, जहां भी पॉलीथीन थी, नालियों में, सभी को इकट्ठा करके सेग्रीगेट करके और उसकी व्यवस्था कराई है, अलग किया है कूड़े से। हमारा अनुरोध है कि पॉलीथीन का प्रयोग हमारे ज़िले के निवासी न करें, जितना कम से कम हो सकता है वो करें, और यदि करना ही है तो जो मानक के अनुसार कोई चीज़ निर्धारित है उसके बाहर ना जाएं। इस यहाँ जितने लोग हमारे साथ इस अभियान में शामिल हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि कम से कम हम लोग तो इसका प्रयोग न करें, ये पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह। सर, समय समय पर SDM साहब जो हैं, SDM सदर छापे लगाते हैं और भारी मात्रा में पॉलीथीन पकड़ी जाती है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि खासतौर से सब्जी मंडी और फल मंडी में खुलेआम इसका प्रयोग हो रहा है। सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों की मान्यता यह है कि कुछ दिन अभियान चलता है फिर ठंडा पड़ जाता है। बात किसी को दंडित करने की नहीं है, बात जागरूक करने की है। यदि हमारे उपभोक्ता इस बात के लिए मना करेंगे कि हम पॉलीथीन में सामान नहीं चाहते, यदि हमारे दुकानदार स्वयं इस बात के लिए जागरूक होंगे कि साहब ये नुकसानदेह है, इसका प्रयोग अच्छी बात नहीं है, तभी इसकी सफलता है। डंडे के बल पर या दंड के लिहाज से कि साहब कोई पकड़ा जाएगा तो उसका इतना पनिशमेंट होगा, ये बात बहुत दूर तक नहीं जाती। जागरूकता की बात विशेष है, उससे लाभ होगा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।